महंगाई दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से बढ़ रही है और सरकार एकदम मौन है। इस आसमान चीटी महंगाई में ठेके में काम करने वाले 8,000 से 10,000 प्रतिमाह काम करने वाले कैसे अपना जीवन यापन करते हो। महंगाई को रोकने के लिए जस्टिन वी एम तारकुंड की रिपोर्ट लागू किया, अर्थात देश की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाए। बेरोजगारी को रोकने के सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाए। सरकारी संपत्ति जो निजीकरण की गई है उसको फिर सरकारी किया जाए। हम लोग समाज पार्टी के लोग आपका ध्यान आपकी सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित करा देने और आदि आबादी को न्याय दिलाने की ढोल पीटने की तरफ करना चाहते हैं और ज्ञापन देते हुए कहा कि जहां एक न्याय दिलाने की बात है, अब तक चाहे विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति की बात है तो उनमें से दलित आदिवासी ओबीसी महिलाओं की संख्या आपके सामने है। लोक समाज पार्टी का मानना है कि आदि आबादी को न्याय की बात तभी पूरा होगी जब दलित ओबीसी आदिवासी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उनके आबादी के हिसाब से 33% कोटा में सीटें विधानसभा और लोकसभा में निर्धारित कर दिया जाए। अगर आप पार्टी के और सरकार की मंशा ठीक है तो उन समाज की महिलाओं के लिए उनके आबादी के हिसाब से सीटें आरक्षित करने में परेशानी क्यों है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास तभी पूर्ण होगा जब आदि आबादी के साथ सभी वर्ग की महिलाओं की भागीदारी देश की विधानसभाओं और लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी हो, नहीं तो यही माना जाएगा कि आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुप्त एजेंडा यही है, ताकतवर जातियों की महिलाओं को ही विधायिका है और ताकत दो। लोक समाज पार्टी इस विधायक तभी सम्मान करेगी जब दलित आदिवासी ओबीसी और पसंदा मुसलमानों की आबादी के हिसाब विधायिका में सीटें निर्धारित हो। लोक समाज पार्टी का मानना है कि विधायिका में महिलाओं की भागीदारी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए कीजिए, बशर्ते दलित ओबीसी आदिवासी और पसंदा मुस्लिम महिलाओं के लिए के आबादी के हिसाब से सीटें आ रही जाए। आशा है आपकी सरकार इस ज्ञापन का सम्मान करेगी।